हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूला इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, यहाँ पे आप सैलसोन का इन्वर्टर देख सकते हैं, जिसमें आपको जो है 12 वोल्ट का एलईडी भी मिलता है और इनबिल्ड जो है सीएफएल का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि कुछ इस प्रकार का ये आता है। और आपको काफ़ी सारे इसमें जो है ऑप्शन मिल जाते हैं। बैक साइड में जो है आप सीएफएल अलग से कनेक्ट कर सकते हैं। इस सीएफएल का जो ये सॉकेट लगा हुआ है हमारा, सभी का स्विच अलग होता है। यहाँ पे इनपुट सोलर पैनल के लिए 12 वोल्ट दिया गया है, यहाँ पे बैटरी के लिए दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार के जो इन्वर्टर होते हैं, उसका मैं A to Z वायरिंग करके दिखाऊंगा आपको। और इसमें कुछ इस प्रकार का ये इन्वर्टर का बोर्ड यूज किया है और इसमें जो है 12012 का ट्रांसफार्मर लगता है, जो कि 2 एम्पियर का है। बिना ट्रांसफार्मर का ये नहीं चलेगा। और यहाँ पे एक होल्डर दिया गया है, जो कि इनबिल्ड इसके अंदर जो है फिट होता है। यहाँ पर मैंने अभी इसको इसलिए निकाला है क्योंकि मैं यहाँ पे वायरिंग करूँगा तो आपको अच्छा से दिखे, इसलिए मैंने इसको अलग कर रखा है। हालांकि मैंने YouTube पे सर्च किया सैलसोन इन्वर्टर कंप्लीट वायरिंग, तो वहाँ पे जो है मुझे ऐसा नहीं दिखा कंप्लीट वायरिंग, जिससे आप अच्छे तरीका से सीख पाएंगे कि इसका जो है वायरिंग किस प्रकार से होगा, या कोई वायर कहीं से छूट जाता है तो कौन सा वायर कहाँ पे कनेक्ट होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि इस इन्वर्टर के ऊपर जो कंप्लीट वायरिंग आना चाहिए A to Z। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो सभी कनेक्शन को यहाँ पे जो है हटा के रखा है। एक एक चीज़ को मैं जानकारी दूंगा कि कौन सा वायर कहाँ पे लगेगा, कौन सा वायर किस काम के लिए यूज किया जाता है। और थोड़ा इस बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे छोटा सा कनेक्टर लगा होता है, जिसमें लगभग 2, 4, 7 पिन बने होते हैं। तो ये हमारा क्या है कि यहाँ पे जो एलईडी होते हैं, इसके लिए यहाँ पे कनेक्टर लगा होता है कुछ इस प्रकार का, जो कि लो बैटरी ओवरलोड चार्जिंग का जो एलईडी लगा होता है, वहाँ पे वायर कनेक्शन होगा इस कनेक्टर से। और यहाँ पे जो 3 कनेक्टर दिया गया है, तो इसमें आप देखेंगे ऊपर ओम लिखा हुआ है, जो कि सी जो है अंदर ढक गया इस कनेक्टर के थ्रू। तो कॉमन ऊपर वाला हो गया, बीच वाला हमारा आउटपुट है और नीचे जो लास्ट वाला पिन है ये हमारा इनपुट है। जैसे हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई इसमें देंगे तो यहाँ पे इनपुट होगा, यहाँ से आउटपुट होगा जो कि इन्वर्टर वाला सप्लाई होगा। और जस्ट लेफ्ट साइड में देखिए तो यहाँ पे 2 पिन मिल जाता है, तो ये हमारा स्विच का हो जाता है, जो कि मेन इन्वर्टर का स्विच है। यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो है हमारा मेन ऑन ऑफ इन्वर्टर का स्विच है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस और प्लस के लिए दिया गया, तो ये हमारा बैटरी का है यहाँ पे, ठीक। और ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे 3 कनेक्टर बने होते हैं, तो ये हमारा 12012 ट्रांसफार्मर के लिए ये दिया गया है, तो पावर सप्लाई वहाँ पे कनेक्ट होगा ट्रांसफार्मर का, ठीक। तो उसको भी हम साइड में रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आप देखेंगे तो बैक साइड में आपको कुछ इस प्रकार के जो है ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 पिन वाला ये सॉकेट मिलेंगे 3 पीस, और इसी के साथ साथ यहाँ पे स्विच बने होते हैं CFL1, CFL2, CFL3। उसी प्रकार से यहाँ पे CFL1, 2, 3 करके स्विच दिया गया है। जैसा आपको ये यूज करना है तो आप इसको ऑन रखेंगे, इसको बंद रखना है तो इसको बंद कर देंगे, इसको चालू रखना है, तो ये ऑप्शनली दिया गया है ताकि आपको जो यूज में लेना है ले सकते हो। यहाँ पे AC फ्यूज दिया गया है, यहाँ पे सोलर इनपुट दिया गया है, यहाँ पे 12 वोल्ट बैटरी का दिया गया है। तो इसका कनेक्शन किस प्रकार से होगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे इस स्विच का कनेक्शन करता हूँ इसके साथ, ठीक है। और उससे पहले मैं यहाँ पे मेन जो पावर सप्लाई होता है वो भी मैं लगा लूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्विच और इस सॉकेट का सबसे पहले मैं कनेक्शन करता हूँ कि किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 3 स्विच लगे होते हैं, एक स्विच में 2 पिन होता है, तो तीनों स्विच का एक एक पिन को हम एक साथ शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारा स्विच लगा होता है, तो स्विच का एक पिन जो है सभी एक साथ मैंने शॉर्ट कर दिया है कुछ इस प्रकार से। इस स्विच का एक पिन, इस स्विच का एक पिन और इस स्विच का एक पिन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वायर को कुछ इस प्रकार से कर दिया है और एक एक पिन हमारा यहाँ पे खाली हो जाता है, ठीक। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे स्विच का एक एक पिन को एक साथ शॉर्ट किया है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारा सॉकेट बना होता है, इसी का 3 पिन जो है आपस में एक साथ शॉर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट कर लेता हूँ,
तो यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा सॉकेट होता है उसका एक साइड का जो है तीनों पिन को एक साथ मैंने शॉर्ट कर दिया है। आप चाहे तो इस साइड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको इसी साइड करना है, आप इस साइड करें या इस साइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे जो है इस प्रकार से इसको कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो स्विच का एक एक पिन खाली है तो एक एक वायर उठा के हम इस सॉकेट में डाल देंगे एक पॉइंट। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हमारा खाली है तो इसमें डाल देंगे, ये वाला पॉइंट खाली है तो इसमें डाल देंगे, ये वाला पॉइंट खाली है तो इसमें डाल देंगे। और ये कोई जरूरी भी नहीं है कि ये वाला पॉइंट है जो इसी में आना चाहिए। तो ये एक तरह से स्विच है, जैसे इसका कनेक्शन आप इसके साथ करते हो तो ये स्विच इसके साथ काम करेगा, अगर इसका कनेक्शन आप नीचे वाले के साथ करते हो तो ये स्विच नीचे वाले के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि CFL का नाम दिया गया है 1 2 3 करके, और यहाँ पे भी। तो आप सामने सामने अगर कनेक्शन करते हैं तो इससे आपको जो है स्विच को और सॉकेट को समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पे इस स्विच में जो एक एक पिन हमारा खाली है तो उसी में हम इस तीन वायर वाले को यहाँ पे सोल्डिंग करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्विच का जो एक एक पिन हमारा खाली था तो उसमें मैंने यहाँ पे जो है इस वायर को निकाल लिया है, और इस तीन वायर को मैं यहाँ पे कनेक्शन कर दूंगा जहाँ पे ये तीनों पॉइंट हमारा खाली है। तो जो ऊपर वाला है उसको ऊपर वाले के साथ, जो बीच वाला है उसको बीच वाले के साथ, और जो नीचे वाला है उसको नीचे वाले के साथ मैं यहाँ पे कनेक्शन कर दूंगा। तो इस प्रकार से जो है इस स्विच से लेके इसमें कनेक्शन कर देना है। तो ये हमारा स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा मेन एसी का जो हमारा कॉर्ड यहाँ पे लगेगा, मेन एसी वाला, उसमें हम मेन वायर को लगा लेंगे। ये रहा मेरा मेन वायर। तो ये जो हमारा मेन वायर है इसको अंदर लाकर एक गांठ लगा देंगे ताकि खींचने से ये हमारा बाहर ना निकले। तो इसमें जो हमारा दो वायर है तो जो ब्लैक वाला है उसको कॉमन कर देंगे यहाँ पे सॉकेट में जो एक साथ मैंने शॉर्ट किया था, ठीक है। तो इसको हम एक पिन को कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला पॉइंट है इसमें हम इसको लगा देंगे, उसमें लगा देंगे या इसमें लगा देंगे, क्योंकि इस साइड वाला जितना भी वायर है हमारा सब एक ही है तो मैं नीचे वाले में ही लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नीचे वाले सॉकेट पे जो है एक वायर को लगा दिया है, जो एसी वाला हमारा वायर आता है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारा एसी वाला वायर है तो एक वायर को मैंने यहाँ पे लगा दिया है जहाँ पे मैंने सॉकेट का तीन पिन को एक साथ मैंने शॉर्ट किया था, तो यहाँ पे लगा देंगे। और ये जो हमारा रेड कलर का वायर बचा उसको हम फ्यूज वाले के एक पिन में डाल देंगे, जो यहाँ पे फ्यूज का दो पॉइंट बना होता है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो एक वायर को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो इस प्रकार से मेन वायर का कनेक्शन होगा, एक को हम यहाँ पे डाल देंगे और एक को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ से जो आउटपुट होगा वो हमारा ट्रांसफार्मर में जाएगा। उससे पहले मैं ट्रांसफार्मर अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो इस पिन में कनेक्शन करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसीलिए मैं पहले इस छोटे छोटे वाले कनेक्टर को मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है आपको ये दो कनेक्टर बचा है जो कि DC के लिए, तो एक सोलर के लिए और एक हमारा बैटरी के लिए है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा सोलर का माइनस है और ये हमारा बैटरी का माइनस है, तो इसको हम वायर के थ्रू माइनस को माइनस के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो माइनस वाले कनेक्टर से लेके मैंने एक वायर के थ्रू इस माइनस वाले में डाल दिया है। उसके बाद यहाँ से मैं दो वायर निकाल लूंगा और एक रेड कलर का जो यहाँ पे हमारा सोलर का पॉइंट है यहाँ से मैं एक वायर निकाल लूंगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे जो है दो वायर निकाल लिया है, जो कि ये बैटरी वाला हो गया है, और एक वायर मैं सोलर वाले से भी निकाल लूंगा। तो सोलर से एक वायर मैं इसलिए निकालूंगा क्योंकि यहाँ पे जो माइनस है ये इसका माइनस, दोनों बोर्ड में एक ही जगह जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ही वायर ले रखा है। तो यहाँ से मैं एक रेड कलर का वायर निकाल लूंगा। तो यहाँ पे भी मैंने एक रेड वायर निकाल लिया है जो कि ये सोलर के लिए रहेगा और ये हमारा बैटरी के लिए रहेगा। तो इसको अभी हम साइड में रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने कनेक्शन किया था इस स्विच का और इस सॉकेट का, तो यहाँ से भी वायर हमारा निकलेगा। तो यहाँ पर मैंने तीन वायर ले लिया है,
और इसमें ग्रीन कलर का वायर मैं इस कॉमन वाले के साथ मैं कनेक्शन करूंगा, जहां पे मैंने मेन वायर का जो ब्लैक वाला वायर है ये वाला, इसको मैंने यहां पे लगाया हुआ है, तो इसको मैं कॉमन के साथ यहां पे लगा दूंगा। ठीक है, तो ये जो मैं वायर यूज कर रहा हूँ ये हमारे इन्वर्टर के मेन बोर्ड पे जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ये तीन वायर यूज कर रहा हूँ, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा। और यहाँ से ये जो हमारा येलो कलर का है ये हमारा आउटपुट का चला जाएगा, जो कि बोर्ड से आउटपुट होगा। मैं इस स्विच के किसी एक पिन में डाल दूंगा, जहाँ पे मैंने एक साथ मैंने शॉर्ट किया था तीन पिन को, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। तो तीन वायर मैंने जो लिया था तो उसको एक वायर को मैंने यहाँ पे लगा दिया है, जहाँ पे हमारा ये कॉमन हो जाएगा ग्रीन कलर का। और ये एक येलो कलर का मैंने वायर लगाया है जहाँ पे इन्वर्टर वाला बोर्ड जो हमारा वहाँ से आउटपुट करेगा, तो यहाँ पे इनपुट होगा। कहाँ पे कनेक्शन कर रहा है, जहाँ पे मैंने इस स्विच का एक पिन इसका, एक पिन इसका और एक पिन इसका एक साथ मैंने कनेक्ट किया था, उस पर आपको लगाना है, ना कि एक एक पिन जो हमारा इस पे गया है इस पे आपको नहीं लगाना है, इस पे लगाना है जहाँ पे मैंने एक साथ शॉर्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिए, इस पिन को इसको एक साथ मैंने शॉर्ट किया था, तो उसी में आपको येलो कलर का लगाना है। और एक हमारा ब्लू कलर का वायर बच जाता है, तो फ्यूज का जो हमारा एक पिन यहाँ पे बचता है जिसमें लाइन इन का जो हमारा आता है 220 वोल्ट एसी इनपुट होता है और फ्यूज के थ्रू यहाँ से आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा बोर्ड पे चला जाएगा। तो तीन वायर जो है आपको इस प्रकार से निकाल के एक साथ राउंड इस प्रकार से करके बोर्ड पे ले जाना है। ठीक है, इस प्रकार से मैं राउंड करके इसको मैं बाहर कर लेता हूँ। और अभी मैंने इसलिए इसका कनेक्शन किया है क्योंकि मैं ट्रांसफार्मर जो लगा दूंगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे होल्डर का भी कनेक्शन होगा, तो वायर कनेक्शन करने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मैंने लगा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर को लगाऊंगा, तो ट्रांसफार्मर में हमारा जो है देख सकते हैं, एक साइड दो वायर है और एक साइड तीन वायर है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है 12012 दो एम्पियर का, तो एक साइड हमारा 220 वोल्ट इनपुट होगा, तो दूसरे साइड से स्टेप डाउन करके 12012 आउटपुट करेगा और दो एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है। तो मैं इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पे लगा देता हूँ। लगाने से पहले यहाँ पे जो हमारा 220 वोल्ट एसी का जो दो वायर आता है इसका कनेक्शन कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे जो दो वायर है तो एक वायर को मैं इस सॉकेट के कॉमन वाले पे कनेक्शन कर दूंगा, जहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का वायर को लगाया था। एक वायर को मैं इसके कॉमन के साथ कनेक्शन कर दूंगा, तो ये हमारा कॉमन में चला जाएगा, जहाँ पे मैंने 220 वोल्ट एसी का जो मेन वायर दिया था कॉमन यहाँ पे है। इसमें कॉमन जो है बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, इसीलिए ट्रांसफार्मर का एक वायर, इस सॉकेट का एक वायर और 220 वोल्ट एसी का एक वायर, सभी को तीन पॉइंट यहाँ पे कॉमन में जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा रेड कलर का वायर है ये हमारा ट्रांसफार्मर का है, ये वाला हमारा बोर्ड पे जाएगा जो कि ये हमारा कॉमन होगा, और ये हमारा डायरेक्ट जो तीन पिन है ये हमारा एक साथ शॉर्ट होकर कॉमन बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा ट्रांसफार्मर का दूसरा वाला वायर बचा है उसको हम इस फ्यूज के आउटपुट वाले में डालेंगे, जहां मैंने ब्लू कलर का वायर को कनेक्ट किया था। तो जैसे हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई इसमें देंगे, तो यहां पे जो हमारा सप्लाई इस ट्रांसफार्मर में चला जाएगा। तो ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है, और ये जो 12012 का वायर है इसको मैं इस साइड रख के यहाँ पे इसको स्क्रू के थ्रू यहाँ पे मैं टाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर को टाइट कर दिया है। ठीक है, तो ये सब वायर जो है ये बोर्ड पे कनेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे अंदर में जो है एक छोटा सा होल्डर लगा होता है, तो इसको भी मैं यहाँ पे टाइट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस होल्डर से भी दो वायर निकला है, तो ये जो दो वायर है तो इसमें से एक वायर हमारा फिर से कॉमन पे चला जाएगा, जहाँ पर मैंने 220 वोल्ट एसी का ट्रांसफार्मर का और इस सॉकेट का एक पिन पे कॉमन बनाया हुआ है, तो वहाँ पे लगाएंगे। तो इस होल्डर को मैं यहाँ पे टाइट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने इस होल्डर को लगा दिया है। तो इस होल्डर में जो दो वायर हमारा है, तो एक वायर को मैं यहाँ पे कॉमन के साथ कनेक्शन कर दूंगा। ये कॉमन हमारा जो है, ये सॉकेट का जो मैंने एक साथ शॉर्ट किया था, तीनों सॉकेट का एक एक पॉइंट, तो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो वायर मैंने लगाया है और ट्रांसफार्मर का एक वायर लगाया है और ये जो हमारा मेन एसी का जो वायर है यहाँ पे आता है, तो उसी में हम इसका कनेक्शन करेंगे क्योंकि वो वाला पिन हमारा कॉमन है। तो ये पिन हमारा तीनों बराबर ही है, तो मैं यहाँ पे ऊपर ही इसके साथ मैं कनेक्शन कर लेता हूँ क्योंकि ये वाला वायर जो छोटा है और इस पॉइंट के नज़दीक में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसी के साथ मैं इसका कनेक्शन कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन जो है कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन जो है इस होल्डर का एक कर दिया है। और यहाँ पे मैंने नहीं किया है क्योंकि ये वायर छोटा है तो इसके नज़दीक में आता है, तो इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों पॉइंट हमारा एक ही है। तो इस प्रकार से हो गया है और इसका ये वाला एक वायर है जो कि बोर्ड में कनेक्शन होगा। तो ये वाला जो जितना सेक्शन था हमारा इस इन्वर्टर का बैक साइड वाला जितना भी सेक्शन था, ट्रांसफार्मर होल्डर, सभी का मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है और वायर निकाल लिया है जो कि ये बोर्ड पे जाएगा। तो उसको हम साइड में रख लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस पैनल पे, ठीक है, जहाँ पे चार्जिंग का ये पॉइंट बना होता है मेन लाइन का और ये स्विच का। तो इसका मैं कनेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो ये बोर्ड होगा तो उस पर सबसे पहले मेन का होगा, जैसे 220 वोल्ट सप्लाई देंगे, ठीक है, उसका होगा। उसके बाद यूपीएस का होगा, जैसे इन्वर्टर पे चल रहा है और लाइट कट गया है तो मेन बंद हो के यूपीएस ऑन हो जाएगा। जब मेन ऑन रहेगा तो यहाँ पे चार्जिंग भी होगा, ओवरलोड है, लो बैटरी है, तो इस प्रकार से यहाँ पे एलईडी लगे होंगे 5। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि बैक साइड में कि यहाँ पे लो बैटरी और यूपीएस, इसके बीच में जो है प्लस वाले पॉइंट पे जो है हमारा दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि बैटरी वाला जो है लो बैटरी पे हमारा 4.7K का रेजिस्टेंस लगा है और यूपीएस वाले पे हमारा जो है 10K का रेजिस्टेंस लगा के जो है एक साथ कॉमन कर दिया है। और ये वाला पिन जो हमारा प्लस के साथ कनेक्ट है और ये दोनों पॉइंट हमारा माइनस है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे ओवरलोड यूपीएस और मेन का जो माइनस है एक साथ, यहाँ पे इसका 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 मेन एक साथ है और ये वाला हमारा रेड है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे तीन स्विच बनाए जिसमें एक स्विच हमारा बिल्कुल खाली है और यहाँ पे एक 12 वोल्ट का एलईडी है जो कि ये काफ़ी एलईडी इसमें फ्यूज हो चुका है, तो इसको मैं यूज में तो नहीं लूँगा लेकिन इसका कनेक्शन जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसका कनेक्शन तो हाला उतना नहीं जल्दी टूटता है, तो इसको सीरीज में करके जो है 12 वोल्ट पे चलने के लिए यहाँ पे बना दिया गया है। और इसको ऑन ऑफ करने के लिए एलईडी लाइट यहाँ पे ऑन ऑफ दिया गया है और ये ऑन ऑफ हमारा मेन है, पूरा बोर्ड का जो है मेन ऑन ऑफ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सॉकेट ये हमारा जो है स्विच हमारा बिल्कुल खाली है और यहाँ पे हमारा जो है लगभग 20 ओम का जो है रेजिस्टेंस एक वार्ड में लगाया है जो इस एलईडी के सेक्शन में लगाया गया है, ये प्लस होगा और यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे कलर कोड इसके गलती दिया गया है तो इसलिए आप इसको प्लस और इसको माइनस ना समझे। ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है और यहाँ से प्लस हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ख़राब है और ये भी हमारा एलईडी जो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, लेकिन इसका कनेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपके पास जो है बोर्ड हो उसमें कनेक्शन कर सकते हो, ताकि आपके पास जो इन्वर्टर है उसमें सही हो और आप कनेक्शन कर सकते हो। तो आइए इसका कनेक्शन थोड़ा हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कनेक्शन करने वाला हूँ इस एलईडी का। तो यहाँ पे जो हमारा बोर्ड है तो उसमें ये हमारा कुछ इस प्रकार का ये कनेक्टर इसमें लगे होते हैं और यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है जो कि इंडिकेट करता है बैटरी का, चार्जिंग का, लो बैटरी, मेन का, ओवरलोड का, ठीक है। तो मैं एक एक वायर को जो है एक एक पॉइंट पे लगा के आपको दिखाऊंगा, आप अच्छे से यहाँ पे देखेंगे तो अच्छे से यहाँ पे समझ सकेंगे।